वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको अपने बच्चे को जन्म घुट्टी देना चाहिए, क्या आप कंफ्यूज हैं कि बच्चे को जन्म घुट्टी दे या नहीं दे, बच्चे को जन्म घुट्टी कब देना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारी मदर्स को ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म घुट्टी से रिलेटेड काफी सारी ऐसी बातों को जो कि हर मदर को पता होना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर माँ चाहती है उसका बेबी हेल्दी रहे, इसलिए सबकी एडवाइस सुनती है। दादी, नानी, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जन्म घुट्टी बच्चे को देना चाहिए। जन्म घुट्टी को बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक दवा मानते हैं, जिसे दिमाग तेज होता है, वेट में ग्रोथ आता है, बच्चे का पेट सही होता है। इस वीडियो में हम ए टू जेड चीजें जानेंगे। जन्म घुट्टी में इंग्रेडिएंट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर होता है जायफल, अजवाइन, अंजीर, बादाम, किशमिश। WHO के अकॉर्डिंगली 6 मंथ से छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि बच्चे को पानी तक नहीं देना चाहिए। चीनी, शहद, प्रिजर्वेटिव, ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, और प्रिजर्वेटिव होने की वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। अब बात आती है कि बच्चे को आपको जन्म घुट्टी कब देना है। आप जन्म घुट्टी बच्चे को 1 साल बाद दे सकते हैं, जब बच्चे को पॉटी नहीं आ रही है, गैस हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप बच्चे को दे सकते हैं, पर 1 साल बाद। 1 साल से छोटे बच्चे को आपको कभी भी किसी भी तरीके का एडिशनल ग्राइप वाटर या जन्म घुट्टी जैसी चीज़ें नहीं देना है। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि जन्म घुट्टी देने से बच्चा क्या मोटा होता है, तो आज मैं इसे क्लियर करती हूँ। जन्म घुट्टी देने से बच्चे का गैस क्लियर होता है, जिसकी वजह से बच्चा खाना पीना शुरू कर देता है, तो लोगों को लगता है कि ये बच्चे को मोटा करता है, पर इसके पीछे कोई भी सच नहीं है। इस सिरप में स्टेरॉइड होता है जो कि बच्चे को मोटा करता है, और लॉन्ग टाइम की वजह से बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, बेबी बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाता है, और बहुत सारी ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ये देता है बच्चों को। तो मैं आपको एट द एंड ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को जन्म घुट्टी या ग्राइप वाटर ना दें। WHO, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स कभी भी आपको एडवाइस नहीं करते हैं कि आप अपने बच्चे को जन्म घुट्टी दें। तो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना दें, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए हार्मफुल होती है। आई होप ये सारी बातें जानकर के आज आपको बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी जन्म घुट्टी को लेकर के। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जन्म घुट्टी से दूर रहिए, बच्चे को जन्म घुट्टी का सेवन मत कराइए। ये सारी चीजें बिल्कुल फैक्ट है, और ये सारी चीजों को आप डबल चेक कर सकते हैं अपने पीडियाट्रिक से पूछ करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए।